बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमिल हमारी आज की वीडियो है सिमिली एंड मेटाफॉर सिमिली एंड मेटाफॉर को फिगर्स ऑफ स्पीच आर लिट्रेरी डिवाइसेस कहते हैं तो फर्स्ट ऑफ आल सिमिली पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ सिमिली वर्ड सिमिली कम्स फ्रॉम द लैटिन सिमिलिस मीन्स लाइक एंड लाइकनेस लफ शिमिली लातीनी ज़बान के लफ शिमिल से लिया गया है जिसके मीनिंग्स होते हैं लाइक एंड लाइकनेस असिमिली इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइकनेस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स सिमिली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स के दरमियान लाइकनेस का एक अजहार है एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइकनेस लाइकनेस का एक अजहार है इट कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग टू डिफरेंट थिंग्स साइड बाई साइड इसमें दो मुख्तलिफ अशिया को साथ, साथ रखा जाता है एंड खम्फेयरिंग दैन और उनका मुआना किया जाता है खम्फेयर किया जाता है विद रिगॉ टू सम क्वालिटी कॉमन टू देम उन के दरमियान कोई कॉमन क्वालिटी के लिहाज से इन अदर वर्ड्स देर आर टू इसेंशियल एलिमेंट्स इन अमिली दूसरे लिफास्ट में सिमिली में दो लाजमी अनासर होते हैं फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स दो ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स होते हैं खम्फेयर मस्ट भी डिफरेंट इन काइंड तो वो मुख्तलिफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स होते हैं जिनको कंपेयर किया जाता है सेकेंडली द पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स कंपेयर्ड मस्ट बी क्लियरली ब्रॉट आउट दूसरा उनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट कोई कॉमन बात होती है जिसको वाज किया जाता है इन शॉर्ट कंपेरिंग डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सम कॉमन क्वालिटी मुख्तरा हम कह सकते हैं कि किसी कामन क्वालिटी की वजह से किसी कामन क्वालिटी की बेस पर मुख्तलिफ दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करना सच वर्ड्स ऑफ कम्पेरिजन ऐस तो सिमिले में शिमिली में कम्पेरिज़न में लाइक like, ऐस सो so, एसट्रा वगैरह अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं यानी जब भी हमने कंपैरिजन करना है तो उनके लिए हमने लाइक एस आर सो जैसे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं यानी सिमिली क्या है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान कोई कॉमन क्वालिटी कोई कॉमन खसूसियत पाई जाती है जिनकी वजह से उनको कंपेयर किया जाता है और इनमें जो वर्ड्स हैं लाइक एस आर सो उनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल इज एज ब्रेव एज आ लाइन वो शेर की तरह बहादुर है अब देखिए इसमें एज का यूज किया है ही इज एज ब्रेव एज अ लायन तो ये ब्रेवरी की बेस पर ये लायन और ही का कंपैरिजन किया गया है दे फॉट लाइक एंड डॉग्स ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स एज फिटी एज अ रोज एज ब्लैक एज अ कोल एज ब्लाइंड एज अ बैट कुछ और एग्जाम्पल्स हैं As busy as a bee, as clear as a crystal, as brave as a lion, as dry as a bone, as easy as ABC, as easy as ABC, as helpless as a baby, as light as a feather, as regular as a clock, as blind as a bat, as straight as an arrow, as white as स्लो एज साइलेंट एज द ग्रेव एक्सप्लोडेड लाइक का वोल खैनो आप कुछ सिमिली ऐसी हैं जिसमें लाइक यूज किया जाता है एक्सप्लोडेड लाइक आ वोल खैनो यानी कि वो आतिशाह की तरह फट पड़ा शाइन लाइक द स्टार्स सितारों की मालिक चमकना हैव आइस लाइक अ हॉक स्मेल लाइक अ रोज सिंग लाइक एन एंजल

एज इफ़ इट वर लाइक द अदर मेटोफॉर भी सिमिलर सिमिली की तरह है इसमें भी टू डिफरेंस थिंग्स को टू अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है किसी कॉमन क्वालिटी की वजह से लेकिन मेटोफॉर में हम लाइक और एस यूज़ नहीं करते लाइक और एस का इस्तेमाल किए बगैर हम टू डिफरेंस थिंग्स को कंपेयर करते हैं हर फेस इज़ अ रोज अब देखिए इसमें हमने खूबसूरती को कंपेयर किया है यानी चेहरे को गुलाब के फूल से कंपेयर किया है लेकिन डायरेक्ट ही हमने उसके चेहरे को गुलाब कह दिया है हर फेस इज़ अ रोज़ जबकि सिमिली में हम क्या करते हैं हर फेस इज़ लाइक अ रोज माय बेबी इज़ अ मून अब ये भी ब्यूटी यानी चांद जैसे खूबसूरत है इस तरह बच्चे की ब्यूटी को डायरेक्ट हमने मून कह दिया है तो मेटोफोर में क्या करते हैं हम लाइक और एस का इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट हम उसको वही चीज कह देते हैं ही इज अ लायन अब हमने ये नहीं कहा ही इज एज प्रेव एज अ लायन डायरेक्ट हमने कह दिया ही इज अ लायन तो इसको हम क्या कहते हैं मेटाफॉर हर फेस इज अ रोज ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज ही इज द पिलर ऑफ द स्टेज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसन लाफ्टर इज़ द म्यूज़िक ऑफ़ द सोल द खेमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट तो सिमिली में क्या किया जाता है उसमें भी हम कंपेरिज़न करते हैं लेकिन उसमें लाइक ऐस और शो के वर्ड यूज़ करते हैं वेर एस मेटोफॉर्म में हम लाइक ऐस और सो का इस्तेमाल किए बगैर हम दो डिफरेंट थिंग्स का कम्पेरिज़न करते हैं सिमिली और मेटाफर को हम साथ साथ रखे इसका कंपेरिजन करते हैं ही हीस लाइ का लाइन ये है सिमिली इसमें वर्ड लाइक यूज किया गया है वेर एज ये अटाफॉर है हर फेस इज एज एज्रिटी एज अ रोज हर फेस इज अ रोज ऑल ऑल्ड इज लाइक अ स्टेज दैट इज सिमिली वेर एज ऑल्ड इज अ स्टेज इसको हम कहते हैं मेटोफॉर इज लाइक दिलर ऑफ द स्टेट इसको हम सिमिलियर कहते हैं क्योंकि इसमें वर्ड लाइक like यूज किया गया है इज द पिलर ऑफ द स्टेट वो रियासत का पिलर है द खैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट द खैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट तो सिमिलियर मेटाफॉर में क्या है सिमिलियर में सिमिली में लाइक एस अशो का यूज़ किया जाता है वेरियस मेटोफॉर्म में इनका इस्तेमाल किए बग़ैर टू डिफ़रेंट ऑब्जेक्ट्स और सिंक के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है उर्दू में वो एक शेर है नाज की उसके लब की क्या कहिए की उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी है तो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं की सी है पंखड़ी एक गुलाब की सी है तो ये कहलाएगा सिमिली जब हम कहते हैं नाज की उसके लब की क्या कहिए नाज की उसके लब की कहिए पंखड़ी एक गुलाब की है तो दैट इज़ मेटाफॉर बहुत ही आसान है उम्मीद करता हूं कि आपको सिमिली और मेटाफॉर की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी इन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूज़फुल वीडियोज़ असलम अल्लाह हाफिज़